जी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं रमेश मीना हिंदी व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय बूंदी राजस्थान से। आज हम हिंदी कविता का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हिंदी दलित कविता की मूल संवेदना एवं उसकी वैचारिकी को समझ सकेंगे। हिंदी दलित कवि एवं कवित्रियों के बारे में जान सकेंगे, साथ ही साथ उनकी काव्य दृष्टि को समझ सकेंगे। हिंदी दलित साहित्य में हिंदी दलित कविता के योगदान को जानेंगे। हिंदी दलित साहित्य के नजरिए से गांधीवादी एवं मार्क्सवाद दृष्टिकोण का मूल्यांकन करेंगे और अंबेडकरवादी दृष्टिकोण के बारे में जान सकेंगे। भारतीय साहित्य में एक नई और महत्वपूर्ण धारा का विकास दलित साहित्य के उत्थान के साथ होता है। देश लगभग सभी बड़ी भाषाओं में दलित साहित्य लिखा जा रहा है, जिसकी अपनी अलग और खास विशेषता है। हिंदी में भी बहुत गंभीर दलित साहित्य लेखन हो रहा है। जो दलित समाज को केंद्र में रखकर हिंदी में साहित्य बहुत पहले से लिखा जाता रहा है। ऐसे हिंदी साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मगर दलित साहित्य लेखन की ये नई धारा इस अर्थ में नई है कि इसमें दलित समाज से आए साहित्यकार खुद साहित्य लिखे हैं। इनके द्वारा हिंदी में लिखी गई दलित आत्मकथाएं विशेष रूप से चर्चित रही हैं, जैसे झूठन, तिरस्कृत, मोदिया, मेरा बचपन मेरे कंधों पर आदि। इस दलित धारा ने हिंदी कविता को भी नए स्वर से समृद्ध किया है। दलित कवि कवित्रियाँ कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य को अनकहे अनुभवों से लगातार समृद्ध कर रहे हैं। इनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास मुंशीराय, जयप्रकाश कदम, कुसुम योगी, डॉक्टर एन सिंह, मलखान सिंह, दयानंद बटोई, शिवराज सिंह बैचेन, ईस कुमार गंगानिया, कैलाश दहिया, अनिता भारती, रवि तिलक, जियालाल आर्य, तेजपाल सिंह, रजनी अनुरागी, पूनम तोषामड़, कौशल पंवार, रजनी बिसोदिया, मुसाफिर बेटा, सूरजपाल चौहान, मुकेश मानस, जयप्रकाश दिलवान, प्रेमचंद गांधी, बलबीर माधोपुरी, सुशीला ठाकुर, रजत रानी मीनू, कमल भारती और सुदेश तंवर आदि प्रमुख। इन कवि कवियों में कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके और इनमें से अधिकांश लगातार कविता कर्म कर रहे हैं। इन सबकी कविताओं में कहीं कुछ मिला जुला तो कहीं काफी भिन्न शैली देखने को मिलता है। जातिवादी शोषण का प्रतिकार, मनुष्यता की पक्षधरता। दलित कविता का मूल भारतीय समाज में हो रहे वर्ण और जाति भेद पर आधारित शोषण के तीव्र प्रतिकार का है। इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनी जाति व्यवस्था भारतीय समाज को आज भी नरक बनाए हुए हैं। निम्न समझी जाने वाली और आर्थिक रूप से गरीब जातियों का अमानवीय शोषण क्या है, दलित कविता इस शोषण का मुखर विरोध कर रही है। इस जातिवादी शोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार तथाकथित ऊंची जाति ब्राह्मण की पहचान दलित कविता करती है। कवि मलखान सिंह अपनी कविता सुनो ब्राह्मण में इसी जाति से विशेष रूप से सवाल करते हैं। सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से दो आती है, तुम्हें तो मेरे साथ आओ चमड़ा पकाएं। दोनों मिलकर बैठकर शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर, सूंघो खुद को बेटों के बैठने को, तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध बलवती होती है। जो तेल की गंध से साहित्य उपक्रम दलित कवि मेहनत करके ईमानदारी से कमाने को मूल्य समझता है, न कि चालाकी से निम्न गरीब और निरक्षर जातियों के ठक्कर कमाने खाने को। इस तरह के हर अमानवीय लूट को ये कवि निंदनीय बताते हैं। कवि नरेंद्र मैर से अपनी कविता तुम सिर्फ चालाक हो कहते हैं, तुम सिर्फ चालाक हो योग्य नहीं, योग्य तो हैं वे जो चट्टान तोड़ते हैं, नहरें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, योग्य तो हैं वे तुम नहीं, तुम तो अंगूठा कटवाते हो, सिर्फ कलम करते हो, कान में पीला शीशा डालते हो। हिंदू समाज में मेहनत करने को निम्न वर्गीय
और बिना मेहनत किए जीने को उच्च वर्गीय संस्कृति समझ जाने की इस गलत धारणा की निर्मिति के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया गया है। इसलिए धर्म ग्रंथ और इनमें निष्ठा रखने वाला समाज इनके विरोध और सवालों के केंद्र में है। कमल भारती अपनी कविता तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती में धर्म ग्रंथ आधारित इस जातिवादी व्यवस्था को गलत बताकर सवर्ण जातियों के भेदभावकारी तत्वों में सवाल तुम्हारी स्त्री बहन और पुत्री के साथ कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि रामायण में राम तपस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का करते करते आम तुलसी मानस में लिख के पूज्य शुद्ध शील गुण गिना, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित इस महान भारतीय संस्कृति के दलित कवि छलावा होता था, क्योंकि इसमें दलितों के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं रही है। उनका सब कुछ इसी महान संस्कृति के चलते छीन लिया गया है। बलवीर माधोपुरी मेरा बुजुर्ग कविता में कहते हैं, परिंदों को उड़ने को आकाश, रहने को घर है, और मेरे पास क्या है। गौरवमयी संस्कृति का देश, गुलामी की प्रथा को बरकरार रखने के लिए मेरी अपनी जमीन। इस देश के मूल निवासी दलित यही अपनी धरती पर ही गुलाम बना देते। दलित कवि का ये दर्द माधोपुरी की इस कविता में बयान हुआ है। मानो गांधी मार्क्स से सवाल और बुद्ध नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आंसर। दलित कविता मनु और मनुस्मृति के विरोध की कविता है। मनुस्मृति की जाति वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पैरोकार ग्रंथ है। इसमें व्यक्त मनु के सामाजिक सिद्धांत को दलित अपने समाज की बर्बादी का सिद्धांत मानते हैं। इसलिए दलित कविता मनु को, दलित कविता मनु को नहीं बुद्ध के अहिंसक और समतावादी सिद्धांतों को अपना आदर्श मानती है। राजनीतिगत लिखती है, हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं। हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। दलित कविता मनु को नफरत और घृणा से देखती है। जयंत परमार मन कविता लिखते हैं, नीम की शाख पे नंगा करके लटका दूंगा तुझको मनु, तेरी रगों को चीर फाड़ कर देखना तूने किया है कितना लहू मेरे बुजुर्गों का। इसी तरह आधुनिक समाज नायकों में ये दलित कविता महात्मा गांधी की बजाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती है। इसलिए दलित कविता में गांधी का विरोध मुख्यतया देखने को मिलता है। सुशीला ठाकुर गांधीवादी मान्यताओं का लगभग मजाक उड़ाते हुए लिखती है, अपने तीन बंदर शायद यही था आपका दूरदर्शी अभियान, बोले वाले लोगों को भरमाने के लिए देते रहे ऐसा ज्ञान सत्य मत देखो, सत्य मत कहो, सत्य मत सुनो। हालांकि डॉक्टर धर्मवीर, सूरजपाल चौहान और कैलाश दहिया जैसे कुछ कवि बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों से अपने दम की तार्किक असहमति जता रहे हैं, पहले स्वर अभी तक दलित कविता का मुख्य स्वर नहीं बन सका है। पिछली शताब्दी में पूरी दुनिया मार्क्सवाद से प्रभावित रही। शिवराज सिंह बेचैन, मुकेश मानस, कमल भारती जैसे कई हिंदी दलित कवि अपने शुरुआती दौर में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर कविता लिखते रहे, मगर जातिवादी सवालों और जाति नरसंहारों पर प्रगतिशील विद्वानों के आक्रमणता देखकर इनका मार्क्सवाद से मोह भंग नहीं हुआ है। दलित कवि मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों के सम्मुख अपना मोह भंग आक्रोश प्रकट करता है। जयप्रकाश भीलवा कविता कामरेड से बातचीत की लिखते हैं, कामरेड इनके विरुद्ध युद्ध जो बहुत पहले शुरू होना नहीं हुआ कहाँ गया ये, और आप क्या इतना भी नहीं समझते कि जब तक विश्वदारों के आकाश को समतल बनाने वाली बातें बहानों की लाठियों से पीटी जाती रहेंगी तब तक हिंदुत्व का सुख की विलास और पश्चिम छाप की कोई भी क्रांति किताबों से उठकर किताबों में ही ढेर होती रहेगी। दलित कवि स्पष्ट रूप से कहता है, उनके आदर्श एक लव्य सी साधना और डॉक्टर अंबेडकर सा विवेक है। दलित पीढ़ी से डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात करने का खुला आग्रह रखता है। डॉक्टर
दयानंद भटोई द्रोणाचार्य सुने, उनकी परंपराएं सुने। लिखते हैं, हे गुरु तुम्हारी परंपराएं अब बहुत दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अब एकलव्य कोई नहीं बनेगा। मैं आगाह किए जाता हूँ, बनना ही है तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु का शिष्य कोई क्यों बने, बनना ही है तो अम्बेडकर का शिष्य बने। संपूर्ण दलित कविता की तरह हिंदी दलित कविता पर भी डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और शिक्षा का गहरा प्रभाव है। जाति वर्ण आधारित ग्रामीण व्यवस्था का नकार, जातिवादी शोषण के गढ़ निसंदेह भारत की गांव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को प्रमुखता से कहा, दलितों के साथ जातिवादी भेदभाव या आज भी आम, गांवों में रहने वाले दलितों के घर जला देने और उनकी बहन बेटियों के साथ दबंग जातियों द्वारा किए जाने वाले अनाचार की घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती। गांव में दलितों पर होने वाले उन जातिवादी अत्याचारों के बखान और विरोध से दलित कविता लबालब है। मकान सिंह अपनी कविता एक पूरी उम्र में गाँव के इस बढ़ाए हुए जीवन को बयान करते हैं। यकीन मानिए इस आदमी को गांव में मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, कभी कोई डर क्यों नहीं, क्योंकि लगता है अभी बस अभी ठकुराई सी मेड़ चीखेगी, मैं अब सोच ही खेत से उठ जाऊंगा कि अभी बस अभी महाजन आएगा, मेरी गाड़ी से भैंस उधारी में खो ले जाएगा, खुलकर खांसने के अपराध में प्रधान मुश्क बांध मारेगा, लगवाएगा डकैती, सीट शो के भीतर ऊन भर भर सड़ाएगा। दलित लोग गाँव में सदियों से रहे पर वहाँ हमेशा उनका शोषण नहीं हुआ, उन्हें नारकीय जीवन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता ठाकुर का कुआं में अभावपूर्ण जीवन का दर्द बयां करते हैं। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश। अपनी दूसरी कविता तब तुम क्या करोगे में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए, कुएं से दुत्कार फटकार गा जाए, चिलचिलाती दोपहर में कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिए जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे। जाहिर है दलित उन दबंगों से नफरत जीत नहीं पाएगा और अंत तक वो गांव छोड़ देगा। सुखबीर सिंह अपनी कविता बयान बाहर में बताते हैं कि दलित का शोषण किसी गांव विशेष की कहानी नहीं, भारत का हर गांव किसी तरह का जातिवादी गांव है। ओ मेरे गांव, तेरा कोई भी हो चाहे नाम, पर काम हमेशा एक ही सारा है, पिछले गांव सदियों की तरह आज भी सुख दुख ठीक वैसा तो वैसा है। जाति धर्म के खुटे से बंधे हुए गांव के सभी लोगों ने ताउम्र सहा। दलित कवि गांव को दलितों के रहने लायक नहीं समझते, तो शहर में जातिवादी शोषण तुलनात्मक रूप कम पाते हैं, पर कभी इसे मुगालते हुए नहीं है कि शहरों में दलितों के लिए सब कुछ अच्छा है, शहरों में जातिवाद और आर्थिक शोषण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता झाड़ू वाली में शहर में दलित स्त्री के संघर्ष के बारे में लिखते हैं। सुबह 5 बजे हाथ में थामे झाड़ू, घर से निकल पड़ती है राम सरी, गंदगी के शहर में दुर्गंध बन जाती है। फिर एक दिन जब रामेश्वरी की खुद भी हथेली हो जाती है असमर्थ, हाथ गाड़ी को ढकेलने में छोटे छोटे हाथ। इस तरह हिंदी दलित कविता हर जगह के जातिवादी शोषण की पहचान कर रही है और साथ ही इसका नकार एवं प्रतिरोध भी करती है। शिक्षा के प्रति अस्तित्व सा लगाव, हिंदी दलित कविता दलित समाज के शिक्षा के प्रति असीम आकर्षण को प्रतिनिधित्व दे रही है। यह आकर्षण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा श्रेणी का दूध होती है, जैसे बयानों और अपने समाज की बेहतरी के एकमात्र संभव तरीके के चलते पैदा हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में अबोड़ा बनने वाले जातिवादी वातावरण और इसकी क्रूरताओं के दर्शन इस कविता में होते हैं। जयप्रकाश कर्दम अपनी कविता भूंगा नहीं था मैं लिखते हैं, आपसी मतभेदों को बुलाकर तुरंत तुरंत स्कूल के सारे स्वर्ण छात्र
गोल बंद हो जाते और खेल गुरु जी से आज्ञा ले लेकर दलित छात्रों पर हमला बोल देते। दलित छात्रों पर हमले केवल सवर्ण छात्रों द्वारा ही नहीं बल्कि उन्हें सवर्ण अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता। अपनी दूसरी कविता वर्णवाद का पहाड़ा में कवि जय प्रकाश कदम शिकायत करते हुए लिखते हैं, मास्टर जी हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें पढ़ाया, प्रगति का रास्ता दिखाया, लेकिन समता के मार्ग पर तुम खुद नहीं चल पाए। हमने रखा तुम्हें वर्ण और जाति से ऊपर पर नहीं उठ पाए तुम अपनी जाति अहमन्यता की संकीर्णता से। स्कूलों में हर प्रकार का जातिवादी शोषण और प्रताड़ना झेलने के बावजूद दलित कवि कहता है कि शिक्षा ही उनके समाज को आगे बढ़ाएगी और उनकी संतानों को चाहिए कि शिक्षा और किताबों को साथ न छोड़ो। चंद्रमान कविता देखना एक दिन मैं लिखते हैं, देखना किताबें एक दिन काट देगी सारे बंधन, ऐसा ना हो सका तो भटकना नहीं, चूल्हे पर नजर रखना पेट पर नहीं, पढ़ना खूब पढ़ना, देखना एक दिन किताबें ही रंग लाएगी, नई जिंदगी की राह बनाएगी, देखना एक दिन। सुशीला टागोर भी लिखती, भक्ति से बड़ा ज्ञान है, अंधी भक्ति से बड़ी जागृति, मंदिर नहीं चाहिए विद्यालयों के दरवाजे खटखटाएंगे। दलित कविता के अनुसार इस समाज को शिक्षा केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी चाहिए। ये समाज शिक्षा से विवेकवान बनकर अपने शोषकों की पहचान करना चाहता है और फिर उन्हें सबक भी सिखाना चाहता है। मोहनदास मिश्राय कविता झाड़ू और कलम में लिखते हैं, कल मेरे हाथ में झाड़ू आज कलम, कल झाड़ू से मैं तुम्हारी गंदगी हटाता था, आज कलम से मैं तुम्हारे भीतर भी गंदगी धोऊंगा। शिक्षा ये आत्मविश्वास केवल दलित पुरुषों में पैदा करती, इससे दलित स्त्री भी एक नया आत्मविश्वास प्राप्त करती है, वो अपना भला बुरा समझने लगती है, अपने फैसले खुद करने की हिम्मत प्राप्त करती है। शिवराज सिंह बचेन कविता लड़की में डरना छोड़ दिया, नेक्स्ट आत्मविश्वास जगाते हैं। अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया, चुप्पा रहना छोड़ दिया, लड़की ने डरना छोड़ दिया, हंसकर पाना सीख लिया, रोना पछताना छोड़ दिया, घुट घुट कर अब नहीं मरेगी, मंच पर चढ़कर बोलेगी, समय और शिक्षा ने उसके चिंतन का रुख मोड़ दिया। हिंदी दलित कविता शिक्षा को दलित समाज के अस्तित्व की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा हथियार बताती है। स्त्री मुक्ति का भिन्न स्वर दलित कविताओं में ये स्वर मुखर होकर सामने आया। भारत में स्त्री संबंधी अध्ययन लंबे समय तक पुरुषों द्वारा ही किए गए हैं, आज भी कमोबेश ऐसा ही है, लेकिन सवर्ण समाज की स्त्री अपनी सामाजिक स्थिति का आकलन आज खुद करने लगी है। दलित स्त्री का बहुत छोटा हिस्सा ऐसा सामने आया है जो अपनी सामाजिक स्थिति को खुद आकलन कर रहा है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में यह स्त्रीवादी स्वर काफी समय बाद प्रबल हुआ है, जबकि दलित साहित्य में इस पर प्रबल हुआ है। आज दलित स्त्री अपने को किसी दलित पुरुष की भी नहीं खुद अपनी नजर से देखने लगी। रजनी अंगला भी लिखती है, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम मुझे देखते हो, मैं वैसी हूँ जैसी मैं खुद को देखती हूँ, तुम देख नहीं सकती मुझको, मैं नहीं कर। ये दलित स्त्री खुद को कैसे देखती है? रजनी तिलक कविता औरत औरत में अंतर है, मैं इस स्त्री दृष्टि का परिचय देती हूँ। औरत औरत होने जुदा जुदा फर्क क्या है? एक भंगी तो दूसरी बामनी, एक गाँव तो दूसरी ठकुरानी, दोनों सुबह से शाम खटती है, बेशक एक दिन भर खेत में दूसरी घर की चार दीवारी में, शाम को एक सोती है बिस्तर पे दूसरी कंधों पर। एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण, दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने पर, एक तड़पती है सम्मान के लिए, दूसरी तृष्ण करते हैं भूख और अपमान से। रजनी तिलक की दलित स्त्री कहती है कि वह ऊंची जाति की तुलना में शोषण की अधिक शिकार है, वह दलित पुरुषवाद की और ऊंची जाति के पुरुषों के शोषण की भी शिकार है। इस तरह
वह बेहद शोषण की शिकार था, लेकिन यह स्वभाव स्त्री की तरह न तो शोषण से समझौता कर रही है और न इससे किसी प्रकार के अवसाद में डूब रही है, वो इसका मुकाबला कर रही है। वह अपनी माँ से साफ करती कि वह पुरुषवादी और जातिवादी शोषण को छेड़ने को तैयार नहीं है, और माँ को भी चाहिए कि वह एक अपनी इस आधुनिक बेटी को अत्याचारों को सहन करने का पाठ न पढ़ाए। तो सामर्थ्य की है झाड़ू तसली और कूड़े की विरासत माँ मुझे मत दो, मुझको पढ़ना आगे बढ़ना, दुख को नए सांचे में गढ़ना और सबको है जगाना, मांग कर खाने की आदत और नसीहत माँ मुझे मत दो, माँ मुझे मत दो। दलित महिलाओं में एक स्त्री स्वर ऐसा है जो हर पुरुष में एक दरिंदा देखता है और अपनी समस्याओं से निजात प्रेम विवाह में भी देखता है। अनिता भारती की कविताओं में स्वर प्रमुखता से देखने को मिलता है। कुछ दलित कवियों को छोड़ बाकी का स्त्री स्वर पुरुषों के प्रति इस तरह की नफरत से भरा नहीं है। ये कवियां अपनी बस्ती से भाग जाना नहीं चाहती है, उसे बेहतर बनाना चाहती है। समाज के भीतर रहकर ये देखती है कि दलित पुरुष का बड़ा हिस्सा मेहनती है और स्त्री के प्रति समता के भाव से भरा है। रजत रानी मीनू अपनी कविता किताबी होते हैं माँ में बताती है कि दलित पुरुष महिलाओं के उत्थान में सहायक है। मैं उत्तीर्ण होती थी, पापा को लगता था वे ही पास हो परीक्षा में, बांटते देखे मिठाई, मना देती खुशियाँ, उनकी आंखों में चमकता है माँ जैसा प्यार। दलित स्त्री अपने पुरुषों से प्रेम छुड़ाकर या उनसे नफरत करके अपनी मुक्ति के सपने नहीं देती, वो अपने संघर्षशील समाज में रहकर उसे बेहतर बनाना चाहती है। वह स्त्री पुरुष में समता वाले इसके सामाजिक मूल्यों को अपनी कविता की प्रेरणा बना रही है। यही वजह है कि इसका स्वर सवर्ण स्त्री विमर्श से अलग ढंग का विकसित हो रहा है। नए समाज के निर्माण की आकांक्षा की दलित कविता देश की वर्तमान जातिवादी व्यवस्था से असहमति और प्रतिरोध की कविता। मल्कान सिंह कविता मुझे गुस्सा आता है में लिखते हैं, आज आज़ादी की आधी सदी के बाद भी हम गुलाम हैं, पैदाइश से गुलाम, जिनका धर्म चाकरी है और वे अर्जी पर कंटीले डंडे की चोट थूथर कर खाना है या भूखा मरना है। देश की बड़ी आबादी आज भी जातिवादी अत्याचारों के शिकार है और कभी कोई इस बात का अफसोस है। वो चाहता है कि देश के हुक्मरान भी इन हालातों पर शर्मिंदा हों। इसके साथ ही ये देश से जातिवादी भेदभाव को खत्म कर सामाजिक समरसता के आग्रह की कविता भी है। दलित कवि कवित्रियाँ इस व्यवस्था को समाज से जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। वह ऐसा केवल अपने दलित समाज के हक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश को बेहतर बनाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि असल में देश का भविष्य भी जातिवादी सोच और भेदभाव से भीम समाज में है। सारी दुनिया अपने अंतर विरोधों को खत्म कर निरंतर मानवता और लोकतंत्र को मजबूत करने का जनमत तैयार कर रही है। विभिन्न देशों में ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है जो इन अंतर विरोधों को जल्द से जल्द खत्म करने में सहायक बन रहा है। भारत में कार्य दलित साहित्य मजबूती से कर रहा है। ये भारतीय समाज के अंतर विरोधों को उजागर कर उन्हें खत्म करने में सहायक बन रहा है। दलित कवि जानते हैं कि जिस तरह पेड़ का हरा हर पत्ता हरा होने पर ही पेड़ के मजबूत का पता चलता है, उसी प्रकार भारतीय समाज की सही पहचान तब होगी जब समाज की जाति को समान अवसर मिले। ओम प्रकाश वाल्मीकि पेड़ कविता में लिखते हैं, पेड़ तुम उसी वक्त तक पेड़ हो जब तक ये पत्ते तुम्हारे साथ हैं, पत्ते झड़ते ही पेड़ में ही फूट कर जाओ, जीते ही मर जाओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का आशय यह है कि देश की अगर बहुसंख्यक दलित जातियां बर्बाद होती है तो देश की गरिमा और लोकतंत्र पर अभिशाप होगा, तभी देश अपने गर्व अपने पर गर्व नहीं कर सकेगा। ये देश कब अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर गर्व कर सकता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी झाड़ू वाली इस सवाल का जवाब आक्रोश के साथ देते हैं। जब तक
रामेश्वरी के हाथ में खड़ांग खांग घिसटती गौ गाड़ी है, मेरे देश का लोकतंत्र एक प्लानिंग है। कवि का आग्रह है सभी को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो। दलितों के हाथ में केवल दोयम दर्जे के काम ना आए, उसकी मेहनत को कोई शोषक ठेकेदार या व्यवस्था का भ्रष्ट सिपाही न रोके, दलित कवि को एहसास है कि दलित समाज की मेहनत की लूट में मुझसे ऊंची जाति के लोग फल फूट रहे हैं और कठिन श्रम करने के बावजूद वो बदहाल। जयप्रकाश कदम किले नामक कविता में लिखते हैं, ब्राह्मण का मान, ठाकुर की शान, सेठ की तिजोरी, खेत खलिहान, मिल कारखाने, कोठी और आगे, मेरे श्रम और शोषण से फल फल फूले हैं, मेरी हिंसा और अपमान पर खड़े हैं। दलित कवि चाहता है ये देश समता मूलक समाज का धनी और सच्चा लोकतंत्र बने। इस निर्णायक संघर्ष में सफलता मिलना बहुत आसान काम है। दलित तो संघर्ष करके देश समाज को बदलना चाहता है, मगर वो जानता है कि देश का नीति नियंता वर्ग ऊंची जातियों से आया हुआ है। वह दलितों के दर्द को कभी तवज्जो नहीं देता, इसलिए दलित कवि को लगता है कि हालात बदलने में अभी समय लगेगा। वह जानता है कि ऐसा संभव है, पर वह भी जानता है कि जब वो तक जातिवादी भेदभाव की व्यवस्था को बनाए रखने वाले तक मजबूत है, ऐसा संभव नहीं होगा। इसीलिए दलित कवि देश के ऐसे तत्वों को तोड़ने के लिए निर्णायक संघर्ष का आगाज चाहता है। कमल भारती नई सदी में प्रवेश नामक कविता में लिखते हैं, पिछली सदी का इतिहास बहुत नई सदी में मार्गदर्शन कैसे करेगा। अगर आदमखोर बाघ भी होंगे नई सदी में, तो संकल्प लें हम नई सदी के सूरज का स्वागत एक कायर भीड़ के रूप में नहीं, प्रतिरोध की शक्ति जुटाकर आदमखोर बाघों पर टूट पड़ने का हौसला लेकर करें। निष्कर्ष, इस दौर में लिखी जा रही दलित कविताएं सहानुभूति का कम भोगे हुए यथार्थ का भावनात्मक तो दस्तावेजीकरण अधिक है। इसका स्वर आक्रोश से भरा हुआ मगर सच्ची संवेदना है और गहरे दर्द का है। इन कवियों की भाषा कहीं कहीं बहुत कष्ट हो जाती है, कुछ कवियों की भाषा कई बार गाली के स्तर पर तक तीखी हो जाती है। कवि अपनी भी भाषा अपने शोषकों के प्रति बहुत नफरत और अति नाटकीयता से भरी होती है, पर यह अस्वाभाविक नहीं लगता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदी दलित कविता भारतीय समाज की विसंगतियों, दलितों के साथ हो रहे जातिवादी भेदभावों तो अमानवीय अत्याचारों के प्रति विरोध की कविता है। यह इस समाज और व्यवस्था को बदलकर समता मूलक बनाने की चाह और संघर्ष की कविता भी है। धन्यवाद।